ये देखें जी, मैंने सोचा था कि आप भाइयों को दिखाऊंगा जाके बड़ा माल, बड़े माल की तरफ आए हैं। बिल्कुल भी माल नहीं है, कोई चीज़ नहीं आई। पहला पहला बुध है ईद के बाद, और काफ़ी लोगों ने कसाईयों की वजह से भी छुट्टी की है कि जी कसाई नहीं आते, क्योंकि कसाई माल नहीं लेते। जाहिर सी बात है, कसाई माल लेंगे तो आवाम माल खरीदेगी और सबके घरों में गोश्त है। मेरा ख्याल ये वाला बुध तो खाली गया है सबका ही, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये एक एक दो चीज़ें खड़ी हैं, शायद ये भी बच्चों की वैसे बच गए हैं। और ये असद साहब हैं, इन्होंने भी व्लॉगिंग का चैनल बनाना है। इन्होंने क्या नाम रखेंगे आप? असदीज। अच्छा, तो इंशाल्लाह जब ये चैनल प्रॉपर चलाएंगे तो इनके प्रॉपर चैनल का लिंक और हर चीज़ आपको मैं दे दूंगा, तो आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें जी भाई, वैसे ये साइज के जो होते हैं ना, वो लेते हैं ना, जैसे आप किसी ने मतलब जैसे पालना। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि 6 महीने का तो जानवर होगा, 5-6 महीने का लगता तो ऐसे ही है, पता नहीं। मतलब अगले साल के लिए लोग अब इस साइज के लेंगे? हाँ जी, अगले साल के लिए नहीं, अगले साल नहीं, ये उससे भी अगले साल के लिए होगा। ये 2 साल पलेगा तो उसके बाद। ये साई वाली नस्ल होती है, एक ये है, ये खड़ा है, दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। बल्कि 3 जानवर हैं यार यहाँ पे छोटे छोटे, ये देखें, ये बच्चे हैं। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा है भाई, और ये बड़ा महंगा, ये बड़ा होगा महंगा ही होगा, खूबसूरती ज्यादा ना। ये भाई आ गए, इनसे ये जरा फोन से फ्री हो गए तो इनसे थोड़ा सा रेट लेते हैं और रिव्यू लेते हैं, कितनी कितनी उम्र है इनकी और क्या क्या प्राइस है, देखते हैं ईद के बाद प्राइस इतनी बच्चे की क्या चाह रही है। क्योंकि हमने ईद पे इतना सा लिया था 95,000 का, इससे थोड़ा बड़ा था बस कदे में। इजाज़ भाई के पास आया हूँ। इजाज़ भाई ने माशाल्लाह ये रबी लेवल के लिए रखा हुआ है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इजाज़ भाई, ये कितने का खरीदा आपने? हमने 40,000 का 2-3 महीने पहले भाई ने लिया, ईद से पहले। अच्छा अच्छा, छोटी ईद से पहले, ठीक है। 40,000 रुपये का लिया है। ये इसकी उम्र कितनी हो गई है इजाज़ भाई? साल से ऊपर होगी। और इजाज़ भाई, ये भी अपने ही हैं जानवर, ये सेल के लिए हैं? अच्छा, ये सोने वाली। और इसकी रेट, इसका क्या होगा? ये कूपन करके देंगे। हाँ, कितना? मंगली 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपये। और वो ये धोंदी करवाने की वजह, ये डेढ़ मूल करेंगे कमी पे। इसे उठा लें, परेशानी तो नहीं उठाना जरा सर। आगे लिए जाना, ये हम लोग ने आपकी वीडियो बनानी है बस, ऐसे रिव्यू देना। आज पूरी मंडी खाली है, बारह महीने में ना इधर ही होते हैं चौबीस का। आप अपना नंबर दोगे, शेयर करोगे, किसी ने कोई जानवर लेना हो आपसे रब्ता कर ले। 304-8-5-13 भाई का नंबर आपके पास आ गया? 546 नंबर अड्डा, ये मियाँ कैटल फार्म के बिल्कुल सामने इनका अड्डा है। ठीक है, पूरा साल आप आते हैं? सही है, जिसने 2 नंबर शहर लेनी लेनी है ना, वो लंडे में जाते हैं। ठीक है, तो दुकानदार है, महंगा सस्ता देते हैं जी। अच्छा देते हैं, गला मन आए। ठीक हो गया जाद भाई, अब इतना जानवर ये कितने का मिल जाता है? अब ये हुसन के हिसाब से होता है। अच्छा, हुसन के हिसाब से, जैसे शौक का मोल ही कोई नहीं। जी बिल्कुल, इसके कराची वाले लाहौर ये वादा सी, लाहौर ये वादा कराची वाले, वो कहते हैं 50 सानू मोल दे दे, 2.5 लाख का। मैं मखरूट का नहीं गई। सही सही सही, मैंने और रबी वाले रखे सोने के नाम करके, खूबसूरती के पैसे हैं। हाँ जी, नहीं हाँ जी, हाँ जी, मकसद कहने का क्या, अगर कोई और देगा तो। ये बच्चा है, और ये कितने का? ये आपको मिल जाएगा, मूल इसका 45 का मिलेगा। 45 छतरा नहीं आएगा, 45 का छतरा जो है ना, छतरा वो नहीं लेते। इसकी उम्र कितनी है? 7-8 महीने। चौकर अच्छा डालेंगे ना जी, तो ये बढ़ जाएगा भी भाई। इसका कितना खर्चा होगा अगर इसको हम? खर्चा आएगा सही डेली 500 रुपए। ठीक है, दूध पिलाओ, दाना खो, फिर नहीं, अगर सिंपल हमने तूड़ी दाने में पालना है। शेर खल खाता है 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए का चौका, 500 रुपए डेली जाना सही। अच्छा जानवर खाता है, 500 सोना खाइए वो खाइए। ठीक है, अगर ये बड़ा हो जाता है फिर इसे फिर भी 500 ही खर्चा आएगा, यही 1,000-2,000 भी हो सकता है, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये नस्ल कौन सी है? साई वाली नस्ल है। हाँ, ठीक हो, तो वो उसे उठाया नहीं। ये भाई ने 5 कल्याणी घोड़ी
आजाद भाई, पांच कल्याण की घोड़ी का क्या मकसद है? पांच कल्याण किसको कहते हैं? बेचारे पैर धो चुके हैं, इसका पता बल्ला है। अच्छा, आप ही पूछने गए? हां जी, हां जी। हम भी कम जानवर ऐसे होते हैं जिनका माथा सफेद होता है। हां जी, आप अपने भी सेल देना। सही सही, पांच कल्याण ही। जाज भाई ने शौक भी रखा हुआ है तो दौड़ शौड़ भी लगाते हैं इसकी? ठीक ठीक, दाता साहब बस इस पे जाते हैं सलाम करने के लिए। और पांच कल्याण की घोड़ी है जी। पांच कल्याण का मतलब क्या होता है? नहीं, वो जरा साडे व्यूअर्स नु भी दसो। एक तो चारों पांव एक जैसे होते हैं और माथे चिट्टा, माथा चिट्टा होता है जी इसका। चार पैर धोते हैं। हम देखो बच्ची जा रही है। ओ छोटी कह रहा है मैं 140 मांग रहा था, 85 ला गया मैं, कहूं ले जा। अच्छा 84 दा खूबसूरती की वजह से रखना ना, मोल लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। लो जी आगे चलते हैं। जाज भाई से काफी बात हुई है, इनका नंबर भी आ गया आपके पास। पूरा साल ये काम करते हैं और जो है ना, ये आप देख सकते हो इसका रेट उन्होंने मांगा था, ये उठ नहीं रही, इसको उठाते हैं। लो जी, कितना रेट मांगा था? 1.5 लाख रुपया मांगा था। डेढ़ लाख रुपये तक दे देंगे। और बड़ी अच्छी है, सही है माशाल्लाह, ये गबन करके देंगे। इसका 2.5 लाख रुपए कह रहे मांग रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं, कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है तो आपको दिखाते हैं। ये भाई ने 12 रबी अव्वल के लिए ख़त्म के लिए रखा हुआ है, इसका कोई पैसे नहीं। उन्होंने कहा मैंने छोटी ईद पे 40,000 रुपये की, 45 की पता नहीं 40 की ली थी। तो ये माशाल्लाह इनका शौक भी था और जानवर भी थे इनके, ये इनका अड्डा है। तो इधर आके कभी भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, पूरा साल ये काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला, बल्कि वीडियो को क्लोज ही करते हैं। अगली वीडियो छतरों की आएगी आपको, क्योंकि देख लें मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया था, बड़ा एक भी जानवर नहीं खड़ा, कोई भी जानवर बड़ा नहीं खड़ा, बिल्कुल ही फ्री है अड्डे ना। और आपको पता है कसाईयों ने भी कोई, मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते छुट्टी करनी होती है। शायद अगली बुध को कोई छोटा मोटा माल आए, अगली बुध को इनके पास चक्कर लगाएंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें।